सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम प्यारे भक्तों, माता कैकेयी जानती थी कि भगवान श्री राम विष्णु अवतार हैं। एक दिन श्री राम ने माता कैकेयी से कहा, मां मुझे आपसे वनवास चाहिए। इस बात पर माता कैकेयी ने कहा, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं। तब श्री राम बोले, हे माता, इसमें आपके दो अहित होंगे। पहला कि आप विधवा हो जाएंगे और दूसरा भविष्य में कोई भी प्राणी आपके नाम पर अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा। यह बात सुनकर माता बोली, प्रभु मुझे ये दोनों अहित मंजूर हैं, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? भगवान श्री राम ने कहा, माता मांगो, क्या मांगते हो? माता कैकेयी बोली, हे प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो आपको अपना अगला अवतार मेरे गर्भ से लेना होगा। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे माता,
यह वरदान तो मैं माता देवकी को पहले ही दे चुका हूं, लेकिन आपको भी यह वरदान देता हूं कि माता देवकी के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद मैं अपना सारा बचपन कृष्ण अवतार के रूप में आपकी गोद में खेलूंगा और आप संसार में यशोदा मैया के नाम से जाने जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। तुम ही हो भक्तन के हितकार, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान विष्णु जी विष्णु लोक में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। समुद्र में एक कछुआ भगवान विष्णु जी के चरण स्पर्श करने की कोशिश में लगा हुआ है। श्री हरि के विश्राम में कोई बाधा ना पड़े, माता लक्ष्मी कछुए को अपने हाथ से पीछे हटा रही हैं। हजार कोशिश करने के पश्चात भी कछुआ प्रभु के चरण स्पर्श नहीं कर पा रहा है। सोचता है क्यों ना भगवान के मुख के दर्शन किए जाएं। चरणों का ध्यान छोड़कर कछुआ श्री हरि के मुख की ओर चल पड़ा है, जिसे देखकर भगवान के शीश पर छाया किए हुए शेषनाग ने अपनी फुंकार से कछुए को पीछे ही रोक दिया है। अब दूर खड़ा कछुआ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, क्या आपकी सेवा करने का जिम्मा इन दोनों ने ही ले रखा है। कछुए की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं, हे प्राणी,
तुम्हारे अगले जन्म में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरी सेवा करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे और देखते ही रह जाएंगे। भगवान श्री राम विष्णु अवतार हैं। 14 वर्ष का वनवास मिलने पर सीता जी वे लक्ष्मण के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ने नदी पार करने के लिए केवट नौशादरा से आग्रह किया। केवट ने कहा, हे प्रभु, नदी तो मैं आपको पार करा देता हूं, पहले आप मुझे अपने चरण धोने की आज्ञा देकर भवसागर से पार करने का वचन दीजिए। केवट के इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे अपने चरण धोने की आज्ञा दी। केवट को चरण धोते हुए देखकर भगवान श्री राम ने सीता वह लक्ष्मण, जो माता लक्ष्मी वह शेष नाग के अवतार हैं, से कहा, यह केवट पूर्व जन्म का वही कछुआ है जिसे आप दोनों ने मेरी सेवा करने से दुत्कार दिया था, और ये वही कछुआ केवट के रूप में मेरी सेवा करने का संपूर्ण फल प्राप्त कर रहा है और आप दोनों देख रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे। प्रभु की इस लीला पर माता सीता जी और लक्ष्मण जी नतमस्तक हुए और भगवान श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। Yeah.
सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम।